हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक्स। तो यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं, दैट इज कोलगेट पाल्मोलिव, यानी कि कोलपाल कंपनी। यहाँ पर जो है मार्केट में क्वार्टरली 2 रिजल्ट आ चुके हैं। सो उस रिजल्ट के चलते वो आपको इस शेयर के अंदर किस तरह का प्राइस मोमेंटम देखने को मिल सकता है, एज वेल शॉर्ट टर्म व्यू के लिए आपको इस कंपनी में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो उन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं इसी वीडियो में। सो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और उसके साथ साथ में अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को इस डेली स्टॉक को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले यहाँ पर जो कंपनी के रेवेन्यू है, दैट इज क्वार्टरली बेसिस पर यहाँ पर 15% बढ़कर हो चुके हैं 1,358 करोड़ रुपीज़, एज वेल एज यहाँ पर जो कंपनी के नेट प्रॉफिट्स है वो भी क्वार्टरली बेसिस पर, दैट इज 15% बढ़कर हो चुके हैं 269 करोड़ रुपीज़। सो क्वार्टरली बेसिस पर यहाँ पर कंपनी के रिजल्ट काफ़ी स्टैग्नेंट और काफ़ी पॉजिटिव वे में यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं। रेवेन्यू की बात करूँ ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से, तो वो यहाँ पर जो है 5% बढ़कर हो चुके हैं 1,358 करोड़ रुपीज़, एज वेल एज जो कंपनी के नेट प्रॉफिट से ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से वो 1% गिरकर हो चुका है 269 करोड़ रुपीज़। सो मोर दैट इज़ एक पॉजिटिव साइड पे हमें एक अच्छा सा रिजल्ट यहाँ पर हमें कोलपाल, दैट इज कोलगेट पाल्मोलिव द्वारा देखने को मिला है। मार्केट कैप की बात करूँ तो 42,529.03 करोड़ का मार्केट कैप है, और उसके साथ साथ में डिविडेंड यील्ड भी काफ़ी अच्छा, दैट इज 2.43% का एक अच्छा सा डिविडेंड यील्ड भी ये कंपनी देती है। फेस वैल्यू है शेयर की 1 रुपीज़, और बीटा इसका 0.28, जो कि कब सबसे कम रिस्क की स्टॉक होता है, और जो उसमें जो मोमेंटम है वो डिसाइड करता है कि अगर इंडेक्सेस के अंदर अगर आपको 1% का मोमेंटम देखने को मिलता है तो इस शेयर के अंदर आपको 0.28% तक का मोमेंटम जो है वो यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है। करंटली इंडस्ट्री के प्राइस टू अर्निंग के हिसाब से अगर हम इस शेयर को कंपेयर करें तो बहुत ही अच्छा सा प्राइस टू अर्निंग पे शेयर जो है 39.73 के एक अच्छे सा प्राइस टू अर्निंग पे शेयर जो है हमें देखने को मिल रहा है, बट प्राइस टू बुक के हिसाब से यह शेयर जो है काफ़ी महंगा, दैट इज 36.47 के प्राइस टू बुक पे मिल रहा है, और बुक वैल्यू निकल कर आती है शेयर की 42.88 रुपीज़। कंपनी की अगर यहाँ पर परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ तो ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से ये जो कंपनी है, जो बिजनेस मॉडल है, काफ़ी अच्छा और बेहतरीन है। जस्ट एज ऑफ द फैक्ट कि कोविड सीजन होने के कारण भी जो कंपनी का रेवेन्यू है उसके अंदर यहाँ पर हमें डाउनफॉल देखने को नहीं मिला है, तो वो भी मेरे आपसे काफ़ी अच्छी और पॉजिटिव बात हमें देखने को मिली है। दैट इज 2021 में भी आप देख सकते हो कि कंपनी की जो रेवेन्यू है उसमें भी यहाँ पर हमें एक बहुत ही अच्छा सा सर्च देखने को मिला, इस वजह से जो कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें भी यहाँ पर आपको जो स्टैग्नेंट स्टैंडर्ड्स लेके अच्छी ऐसी जो है कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी उसमें यहाँ पर हमें देखने को मिली है। हालांकि 5 ईयर हाई प्राइस है शेयर का 1823.4 के नियर बाय, और करंटली चल रहा है 1543, दैट इज ऑलमोस्ट 300 रुपीज़ डिस्काउंटेड प्राइस पे अभी भी यह शेयर जो है ट्रेड हो रहा है कोलगेट पाल्मोलिव इंडिया लिमिटेड कंपनी। सो मेरे आपसे अगर समझ लो 1500 रुपीज़ या 1450 के प्राइस लेवल के अंदर भी अगर मार्केट करेक्शन के बीच में अगर ये शेयर आता है तो मेरे आपसे आपको इस कंपनी में एक अच्छा सा इन्वेस्टमेंट जरूर करना चाहिए। सो होप करता हूँ कि आपको कोलगेट पाल्मोलिव इंडिया लिमिटेड कंपनी जो यहाँ पर हमने जो मार्केट में जो क्वार्टरली 2 रिजल्ट आए हैं वो यहाँ पर आपको अच्छे से समझा दिया होगा, और उसके ऊपर आपको अपना क्या व्यू पॉइंट बनाना है, डिसीजन पॉइंट बनाना है, वो भी आपको पता चल गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।